हेलो दोस्तों, राधिका मोबाइल रिपेयर में आप लोग का स्वागत है। मेरे पास में सैमसंग का मोबाइल है B110E, जो कि हाफ शूटिंग है, बैटरी खा रहा है, बैटरी ड्राइंग हो रहा है। देखिए, बता रहे हैं, आप लोग चेक कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए रीडिंग ऐसे बता रहा है, और एक साइड से प्रॉपर चेक करके बताते हैं, दोनों साइड सेम ही बता रहा है लगभग। तो हाफ शूटिंग है, देखिए। तो इसको स्टेप बाय स्टेप से चेक करते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए और बताते हैं कहाँ से क्या फॉल्ट हो सकता है। देखिए, ये नेटवर्क का IC के सामने ये भी सेम बता रहा है। यानी बैटरी लाइन में, बैटरी कनेक्टर लाइन में जो भी होगा, देखिए ये भी है बैटरी कनेक्टर लाइन में, देखिए ये भी शॉर्ट बता रहा है, हाफ शॉर्ट है, लीकेज होगा, चाहे डाइवर्ट लीकेज होगा या कैपेसिटर होगा, या फिर यही सब हो सकता है लीकेज, जो कि मेन सप्लाई है बैटरी कनेक्टर लाइन में, जो मेन सप्लाई वही लीकेज होगा। तो देखिए, रोजिन लगाते हैं और चेक करते हैं और बताते हैं हाफ शॉर्टिंग को कैसे निकालते हैं, फाइन कैसे करते हैं। आप लोग देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग, तभी समझ में आएगा, क्योंकि हाफ शॉटिंग निकालना थोड़ा कठिन पड़ता है, और फुल शॉटिंग तो डायरेक्ट शॉट किलर से लगा दीजिएगा तो धुआं निकल जाएगा, गर्म हो जाएगा या जल जाएगा, पर ये जलेगा नहीं, आपको महसूस करना पड़ेगा किस जगह पे, किस स्थान पे इसको गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है। तो देखिए, हम लोग रोजिंग लगा के देख रहे हैं और आप लोगों को बताते हैं। देखिए, एक जियो फोन का बैटरी का शॉर्ट क्लियर बनाए हैं, इसी से हम फुल शॉटिंग हो या हाफ शॉटिंग हो, इसी से रिमूव करते हैं। तो आप लोग देखते रहिए अब कहाँ पर हीट हो रहा है। देखिए, कहीं नहीं बताया कि धुआं भी नहीं निकला कहीं, और जला भी नहीं कहीं। देखिए, महसूस करते हैं, गर्म से पता चलेगा हीट होगा अपने, क्योंकि मोबाइल चालू है, चालू कंडीशन में है, उतना महसूस भी नहीं हो सकता है। देखिए, कहीं पता नहीं चल रहा है, महसूस नहीं हुआ। कहीं पता नहीं चला कहाँ महसूस, कोशिश किए पता नहीं चला। देखिए, एक लाइन जितना बैटरी कनेक्टर के लाइन में है, उसको कैपेसिटर को या डाइवर्ट को एक साइड से रिमूव करेंगे, एक साइड से उठा देंगे, पूरा नहीं निकालेंगे। देखिए, इसको निकाल दिए हैं कैपेसिटर को, और सामने एक डाइवर्ट है उसको भी निकाल दिए हैं, फुल नहीं निकाले, एक साइड से उठा दिए हैं, क्योंकि उसको सही होगा तो उसको फिर बैठाना पड़ जाएगा, लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि CPU सामने है, इसीलिए आयरन की मदद से इसको एक साइड से उठा दिए हैं, क्योंकि इसमें SMD की कोशिश करते तो निकल जाता है, पर कभी कभार क्या हो जाएगा कि हीट हो जाएगा CPU, तो लग जाएगा हीट, तो डेड हो सकता है। देखिए, सही हो गया रीडिंग, देखिए चेक करके सही से बताते हैं। देख, ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट था, क्योंकि बाकी के सब एक साइड से उठा दिए हैं, तो सब में नहीं सही हुआ, तो इसको उठा दिए कैपेसिटर का, तो सही हो गया। तो इसको निकाल देते हैं, और जो जो एक साइड से उठाए हैं, डाइवर्ट को भी उठाए हैं, और नेटवर्क वाला IC के सामने के जो कैपेसिटर है उसको भी उठाए हैं, उसको सही से बैठा देंगे, क्योंकि वो सही होगा, कहीं निकाल के फेंकना नहीं है, कैपेसिटर बहुत काम का होता है। देखिए, इस कैपेसिटर को बैठा दे रहे हैं, RF IC के सामने जो कैपेसिटर रहता है
लगा दिए, और एक डाइवर्ट भी एक साइड से उठाए हैं, उसको भी सही से बैठा देंगे। देखिए क्रिस्टल के सामने रहता है डाइवर्ट, उसको भी बैठा दीजिए, लगा दीजिए सही से, सोल्डिंग कर दीजिए। देखिए सही कर दिए, क्योंकि शॉर्ट किलर से कुछ महसूस नहीं हुआ, हीट का कोई महसूस नहीं हुआ। तो क्या किए हैं, एक साइड से सबको कैपेसिटर ड्राइवर को उठा दिए और रीडिंग को चेक करते गए हैं, जिसमें सही हो गया उस कैपेसिटर को निकाल दिए, बाकी सबको सही से बैठा दिए। तो इसी तरह आप लोग भी कीजिएगा, हाफ शॉटिंग को इसी तरह निकालिएगा। मोबाइल पहले भी बंद था, बैटरी खा रहा था इसका, बैटरी डाइन हो जा रहा था, बैटरी खा जा रहा था, एक घंटा भी नहीं चलता था और बैटरी ख़त्म कर देता था, कस्टमर यही बता रहा था। तो बोले ठीक है लाओ, इसको चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप से चेक किए, सही हो गया, अब बैटरी इसका नहीं खाएगा, बैटरी इसका डाउन जल्दी नहीं होगा। तो इसी तरह से आप लोग काम कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप से काम कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। और जो हमारे नए दोस्त देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग को। देखते हैं, हाँ मोबाइल भी ऑन हो गया, पहले भी ऑन होता था, ऑन होने में कोई दिक्कत नहीं था, पर अभी भी मोबाइल ऑन हो गया, अब इसका बैटरी अच्छा चलेगा। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा कर ऑल में सेट कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो और इससे भी अच्छा वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।